एकदम एकदम ऊपर वाला पोर्शन है ना, थोड़ा क्रंची टाइप का बनेगा। मैं देखिए ऐसा ऐसा होना चाहिए, परफेक्ट नमकीन जैसा, और अंदर मीठा, ऊपर नमकीन अंदर मीठा। जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे आप सभी, आशा करती हूं आप लोग एकदम ठीक है। और 20 अदर ब्लॉग एंड क्राफ्टिंग पे आप सभी का वेलकम। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे कि हम लोग वीडियो बनाते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड से, क्योंकि हम रहते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड में, और हमारी जो आइलैंड है उस आइलैंड का नाम है लिटिल अंडमान आइलैंड। बहुत ही खूबसूरत सा एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। तो अगर आपको मेरी आइलैंड वाला जो बीच वाला समुद्र वाला वीडियो देखनी है तो आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मेरे वीडियो सारे देखने होंगे और हमारे साथ बने रहना होगा। तो फ्रेंड्स, आज भी मैं हमेशा जैसे नया ब्लॉग लेकर आती हूँ, वीडियो लेकर आती हूँ, तो आज भी एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज कुछ किचन वाला है स्पेशल, जैसे कि आज मैं बनाने वाली हूँ बंगाली स्टाइल का, जो हम लोग बंगाली हैं तो बंगाली स्टाइल में हाँ जो बोलते हैं पुली पीठा, और एक्चुअली उसका नाम मुझे बस एक नाम पता है पुली पीठा, और रोहन उसे बुलाते हैं सिर पीठा। तो आज वही बनने वाला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर किया जाए कि कैसे मैं बनाती हूँ, मेरा स्टाइल कैसा है, क्योंकि उसका 2-3 स्टाइल है। ठीक है, जैसे कि स्टीम में देना पड़ता है और फ्राई वाला होता है, तो मैं बनाऊँगी फ्राई वाला। तो आपको मेरे साथ बने रहना होगा आगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो जैसे कि मोमोज बनाते हैं उसके अंदर चिकन रहता है, वेज रहते हैं, तो मेरा वो जो पुली पीठा है सेम उसी तरह है, बस इसके अंदर मीठा कुछ रहेगा। तो उसके लिए जो ऊपर वाला पोर्शन है जैसे समोसा के अंदर आलू रहता है, तो मैं जो कवर जिससे बनाऊँगी वो है मैदा से मैं बनाऊँगी। मैदा को मिक्स करने के लिए छेड़ने के लिए मुझे चाहिए ऑयल, पानी और नमक बस, और आप इसमें सोडा भी मिक्स कर सकते हैं, हाई सोडा, पर मेरे पास तो नहीं है अभी अवेलेबल, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा देने से भी होगा, नहीं देने से भी नहीं होगा। और इसका जो है कोलकाता में फेमस नाम भी है इस मिठाई का, खास का बोल तो हमारा फेवरेट है, तो मतलब एकदम वो कोलकाता जैसा तो मेरे से नहीं होगा मार्केट जैसा, पर मैं कोशिश करूँगी अपने घरेलू स्टाइल से बनाने की। तो इसके अंदर मैं बाहर का तो बता दिया, अभी ये जो अंदर वाला है, जो अंदर जो उसके लिए चाहिए मेटेरियल, वो है नारियल, नारियल रहेगा उसके अंदर, और नारियल को फ्राई करके जैसे समोसा के अंदर आलू भर के उसको पैक किया जाता है मोमोज के भी, तो मैं इसे उसी तरह उसमें उसके अंदर नारियल भर फ्राई करके शुगर से अच्छे से मीठा बना के उसके अंदर भर के पैक कर दूँगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, मैं अपना स्टाइल बनाने का शेयर करूँगी आपके साथ, तो आप लोगों को मेरे साथ बने रहना होगा आगे, तो प्लीज़ आगे भी बने रहिए। यहाँ पे 500 ग्राम का पैकेट में से मैं लूँगी ओनली 200, मतलब हाफ लेंगे हम इसे, पूरा एग्जैक्ट 250 ग्राम नाप नहीं रहे हैं, अपना अंदाज से ले लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पहले तो आपने देखा कि नमक और ऑयल डाल के अच्छे से इसको मल रही हूँ, ये देखिए मिक्स कर रही हूँ, इसको ना ऐसे चेक करना है कि अच्छा से हुआ है ऑयल सब में मिक्स हुआ है, कैसे पता चलेंगे, क्योंकि हाथ से ना ये मैदा को ऐसे प्रेस करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, यानी ये सब में क्या है ऑयल मिक्स हो गया है। अभी आप पानी दे सकते हो, तो मैं भी अभी पानी दूंगी इसे, और अभी ऐड करूँगी पानी, पहले से ज़्यादा नहीं दूंगी जितना चाहिए। इसका जो मिक्स है कैसे होगा, जैसे नॉर्मल हम लोग घर में रोटी खाते हैं जैसे उसका टेक्सचर रहता है, बस सेम उसी तरह टेक्सचर चाहिए। अभी इसे हम ढक के रखेंगे तब तक जब तक मेरा नारियल फ्राई ना हो जाए, तब तक मैं इसे पूरा ढक के रखूंगी, ये पूरा कंप्लीट हो गया। नारियल हो जाने के फ्राई हो जाने के बाद उसे थोड़ा ठंडा करेंगे और उसके बाद इसके अंदर पैक करेंगे, एक एक करके इसको शेक देंगे, तब तक इसे हम देते हैं छुट्टी, जाएगा छुट्टी में और हम जाएंगे काम में गैस। तो आप भी चलिए मेरे साथ, और अभी भी लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई गैस के साइड में, तो आप देख रहे हैं कि अभी नारियल यहाँ पे रेडी है,
और मैंने यहाँ पे सूजी लिए हैं, सूजी भी देंगे उसके साथ। और यहाँ पर जो पानी देख रहे हैं ये नारियल का पानी है, मैंने फेंका नहीं। इसे जो है जो नारियल को फ्राई करने में ना, उसको बॉईल करने में और गर्म पानी करना है, तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, नारियल का पानी नहीं फेंकती, उसे रख देती हूँ। तो आगे देखिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें कोई ऑयल वगैरह कुछ ऐड नहीं होगा, डायरेक्ट जा जाएगी नारियल। पानी दे रहे हैं और सूजी भी दे दें। तो फ्रेंड्स ये जो इसमें मैंने सूजी डाली है करके, और भी पानी चाहिए तो पहले इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे मैंने को, फिर इसमें शुगर ऐड करेंगे। और ये जो रोहन का टोपी है इसे हम इसे क्या करेंगे, ढक देंगे और इसको ना थोड़ी देर बाद में हिलाते रहेंगे, फ्लेम लो रखेंगे। आप जितना मीठा खाना चाहते हो इसमें ऐड कर सकते हो। नारियल में तो थोड़ा मीठा मीठा होता है, तो उसको ख्याल रख के भर भर के देना, भर भर के देना। टेस्ट टाइम है, अभी खाया नहीं, अभी से बोलते टेस्ट टाइम में थोड़ा सा नमक भी हम ऐड करेंगे। फ्रेंड्स देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा जो नारियल फ्राई है एकदम रेडी हो गया है। आप चाहो तो इसमें कलर ऐड कर सकते हो, पर मैं कलर वाला नहीं ऐड कर रही, सफेद होगा वाइट कलर का। और आपका जो नारियल का ऑरेंज कलर आता है, जैसे वो जो फ्राई फ्राई टाइप का जो आता है ना, वो भी ला सकते हो। बस उसके लिए आपको पानी नहीं ऐड करना है, डायरेक्ट चीनी से नारियल को फ्राई करना है, तभी जाके वो कलर आएगा। और ऐसे आप अगर वो दूसरा कोई कलर यूज़ कर सकते हो फूड कलर, तो आपको इस तरह व्हाइट कलर बना के वो कलर यूज़ करना होगा। और मैं यहाँ पे व्हाइट कलर बनाना चाह रही थी, तो मैंने पानी ऐड किया था, बाकी और कुछ नहीं। देखिए एकदम मेरा परफेक्ट होके रेडी है। अभी इसे थोड़ा ठंडा कर दूँगी, तो इसके अंदर उंगली जाते ही करंट जैसा मुझे देखिए यहाँ पे मैंने तेल में देखिए अच्छे से दिया है, फ्लेम एकदम लो रखे है, क्योंकि ये जो मैदा है इसको ठीक से पकाना है, हमारा पकौड़ा पीठा। रोहन तुम्हारा तो अभी से
मुंह में पानी आ रहा है रोहन का। गाइस आप लोग का आया मुझे बताना। तो यहाँ पे देखिए मेरा पकोड़ा पीठा पुली पीठा रेडी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मेरा 60 मिनट्स पीठा जो है रेडी है और अभी ट्राई करेंगे खा के आपके सामने डायरेक्ट फास्ट खा लो खेंगे। तो इसको खाते हैं इतना ठंडा देखिए अंदर बेस्ट है कैसा है रसमलाई एकदम भरपूर रस बहुत बढ़िया। मीठा ठीक है अभी सरदार जी खा के बताएगा आप खाइए आप खाइए। अच्छा मेरे को ऊपर वाला पोर्शन है ना थोड़ा क्रंची टाइप का बनेगा ये देखिए ऐसा ऐसा होना चाहिए क्रिस्पी परफेक्ट नमकीन जैसा और अंदर मीठा ऊपर नमकीन अंदर मीठा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे हम लोग को सपोर्ट करते रहिए। आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं बहुत ज़रूरत है मुझे आप लोगों के सपोर्ट की। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो पूरे देखिए और लाइक कीजिएगा। और अगर आप लोग अंदावन में घूमने आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए बहुत बहुत सुंदर सुंदर व्यू मिलेंगे यहाँ पे आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद।